देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2,11,298 नए केसेज आए सामने, 3,847 लोगों की मौत। अब तक करीब 20 करोड़ 27 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत मिली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दवा से कोरोना को हराया था। ब्लैक फंगस की दवा एन्फोटेरिसिन पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने दी जानकारी। उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को दिया गया लाइसेंस। वैक्सीन पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का जवाब, कहा भ्रम फैला रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली को केंद्र ने अभी तक 45 लाख वैक्सीन फ्री दी, केजरीवाल ने खुद सिर्फ 8 लाख वैक्सीन खरीदी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए साइंस जर्नल लैंसेट के एक्सपर्ट्स ने मोदी सरकार को 8 सुझाव दिए। वैक्सीन की खरीद और बंटवारे के लिए केंद्रीय प्रणाली बनाने की भी सलाह। सोशल मीडिया में प्राइवेसी के सवाल पर संग्राम, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले आम लोगों को चिंता की जरूरत नहीं, सिर्फ गलत इस्तेमाल पर रोक के लिए नए नियम। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच आज शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी। अगले साल की शुरुआत में यूपी में होने हैं विधानसभा चुनाव। टूलकिट विवाद में पुलिस के दफ्तर पहुंचने पर ट्विटर का बयान, कहा हम भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, हमारे यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी खतरा। एलोपैथी के खिलाफ बयान देने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस में दी शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग। चीन के वुहान लैब पर नए खुलासे के बाद सख्त हुआ अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में कोरोना वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने को कहा। कोरोना काल में महंगाई की मार, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 93 रुपए 68 पैसे। प्रयागराज में गंगा किनारे शवों को दफनाए जाने की एबीपी न्यूज की खबर का असर, श्रृंगवेरपुर घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने को मिली मंजूरी, प्रशासन ने जमीन भी चिन्हित की। पीएनबी घोटाले का भगोड़ा, आरोपी मेहुल चौकसी क्यूबा जाने की कोशिश में, कैरिबियन देश डोमिनिका में पकड़ा गया। 3 दिन पहले चौकसी के एंटीगुआ बारबुडा से फरार होने की खबर आई थी, जहां इसने भारत से भागने के बाद शरण ली थी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने एबीपी न्यूज से कहा डोमिनिका मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंपे, एंटीगुआ में चौकसी के लिए कोई जगह नहीं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रशिक्षण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, थाना नोहझील इलाके की घटना, विमान के दोनों पायलट सुरक्षित। बिहार में जर्जर स्वास्थ्य सेवा की एक और तस्वीर आई सामने, समस्तीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंधा देखा भैंसा। सूरत में पुलिस वालों ने कोरोना कर्फ्यू की उड़ाई धज्जियां, इंस्पेक्टर को विदाई देने के लिए देर रात फार्म हाउस में डिनर पार्टी करने का आरोप। यास चक्रवात से रांची समेत झारखंड के 21 जिलों में भारी बारिश, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में आया सैलाब, सरायकेला चाईबासा में भी बाढ़ जैसे हालात, बिहार के 26 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, यास तूफान की वजह से दोनों राज्यों में करीब 3 लाख घरों को पहुंचा नुकसान, अब तक 4 लोगों की पुष्टि।